today, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Shiny. आज है डे टू इन पहलगाम. कल हम लोग ट्रैवल करके इधर आए तो ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए थोड़ा बहुत हमने मार्केट एक्सप्लोर की, कुछ यहाँ का लोकल खाना एक्सप्लोर किया, लेकिन आज हम लोग प्रॉपर टूरिस्ट की तरह घूमेंगे. सो आज सुबह सुबह 8 बजे हमारा पोनी राइड बुक्ड है. हमने बहुत ज़्यादा बार्गनिंग की एंड हमें 2 पोनी राइड बुक की हमने, मतलब दोनों घोड़ा 1500 रुपीज़ में, मतलब पर घोड़ा 750 रुपीज़ में. अब जो घोड़े वाला है उन्होंने कहा था कि हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, मतलब 1600 रुपए देना. सो टेक्निकली हमें 800 रुपए देना पड़ेगा पर पोनी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की. उन लोगों ने 4000 से नहीं, एक का उन्होंने 2400 रुपए बोला था, तो हमने काफी ज्यादा बार्गेनिंग की एंड फाइनली ये रेट फिक्स्ड हुई. लेकिन इससे भी कम में आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे हो बार्गेनिंग में तो, लेकिन हमें उतना ज्यादा कम नहीं भी करना था बिकॉज इन लोगों का यही एक पेट चलाने का रास्ता है और अच्छा नहीं लगा हमें, तो इसीलिए 1500 फाइनल किया. शायद 1600 हम लोग दे भी दे. तो सबसे पहले हम जाएंगे आज मिनी स्विट्जरलैंड जो कि है बाइसरन, लेकिन वहां से हमारा 4 पॉइंट कवर होगा. एक है पहलगाम वैली, दूसरा कश्मीर वैली एंड डाबियान. सो ये पूरा पॉइंट कंप्लीट करके हम वापस आएंगे. उसके बाद हम गाड़ी बुक करेंगे एंड देन हम जाएंगे ABC, मतलब आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी. सो बी विद अस एंड सो वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट रेडी फर्स्ट एंड उसके बाद मिलते हैं. सो वी आर रेडी, अभी हम लोग निकल रहे हैं पोनी राइड के लिए. पहलगाम में आप कभी शांति से नहीं चल सकते, आपको कोई ना कोई घोड़ा वाला अप्रोच करेगा. यहाँ पे भी हमें एक घोड़ा वाला अप्रोच कर रहा था. नहीं चाहिए, उनके साथ हमारा हो गया है ऑलरेडी बुकिंग. मॉर्निंग पहलगाम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेकिन जल्दी जल्दी 8 बजे पहुँच गए पोनी राइड स्टेशन पे, क्योंकि हमें मिनी स्विट्जरलैंड देखना है. कैसा लग रहा है मॉर्निंग पहलगाम? देखते बात नहीं, इतनी ज़्यादा धूप है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है. कल रात को शायद ऊपर पहाड़ में स्नोफॉल भी हुई है. चेक आउट द व्यू. ये है लिडर रिवर. हमारे होटल से ना सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, और ये जो बाइसरन का पहाड़ है ये भी वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, और ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल कीचड़ एंड मिट्टी है. तो हमारे शूज़ एंड कपड़े ख़राब ना हो जाए, इसलिए मेरे हस्बैंड पॉलीथीन इस तरह से बांध रहे हैं मेरे शूज़ को ढकने के लिए. एंड ये रास्ता है जहाँ से हम लोग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है. चल पहला पॉइंट आ गया आपका डबियन. महाराजा हरि सिंह ने यहाँ पे 1 तीर से 2 शिकार हंडिंग प्लेस. डबियन डबल मेरे को डबल शिकार. हिरन पानी पीने गया, शेर ने हिरन को पकड़ा, उसने एक तीर चलाया, एक दोनों को मार दिया यहाँ पे. अभी है क्या ये शेर ये सब? वो पुराने जमाने का था, हमने थोड़ी बनाया. चढ़ाई जब आएगी तो आगे बैठ, थोड़ा झुकना. हाँ, जब चढ़ाई आएगी आगे तरफ झुकना. हाँ, जब उतराएगी तब बैक, हल्का सा, ज्यादा नहीं. आप तो हल्के हो, 80-90-70 100 होता है घोड़े पे. राजा चल चल, यहाँ पर रुकिए. बॉडी वेट पीछे सिस्टर, सामने झुकना है ना, पीछे पीछे डर के आगे जीत है. चलो पीछे. मिनी स्विट्जरलैंड कोई गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं और आप घोड़े पे जा सकते हैं. नो डाउट रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस और रिस्की है.
वो लोग वहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहा है ये लोग? ये ऊपर जाते हैं लोकल। हमारा घोड़ा वाला पीछे पीछे आ रहा था और घोड़ा अपने आप ही जा रहा था। घोड़ा वाला जस्ट वार्न कर रहा था और हमें गाइड कर रहा था। पाँव घोड़े के साथ मैडम, यहाँ पे थोड़ा रास्ता तंग है बस थोड़ा सा। आज आप लोगों ने सुना, घोड़े वाले भैया ने वार्न किया था कि आगे रास्ता खराब है, बट घोड़ा तो अपने आप ही जा रहा था और स्पेसिफिकली मेरा वाला घोड़ा थोड़ा छोटा था तो वो जंप कर रहा था। तो हमने वीडियो बंद कर दिया था उस वक्त क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। तो कुछ दूर जाके मेरा वाला घोड़ा ने जंप कर दिया और मैं उधर गिर गई, लेकिन लकीली एक पेड़ था तो मैं बच गई। गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई थी, लेकिन इतनी दूर आगे वापस नहीं जाना था। अब बोलिए ये क्या है? कश्मीर वैली है, पहाड़ के बैक साइड में श्रीनगर। पुराने जमाने के लोग यहाँ से पैदल सफर करते। अरे ये जो नदी बह जा रही है ये कहाँ का? ये तो कहाँ से आ रहा है? ये तुनिया लेक से पानी आ रहा है। तो जो एक पॉइंट बंद है ना, हाँ, तो लेक वाला। इतनी सुबह आने की वजह से हमें रश तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी रास्ता इतना ज़्यादा डेंजरस है। सो इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि आप इतनी खूबसूरत जगह की जो रास्ता है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए ताकि टूरिस्ट आकर बिना रिस्क के साथ आराम से घूम सके। ये जो एरिया आप लोग देख सकते हैं ये है टिकट काउंटर। बाईसरन वैली का जो एंट्री है ये है एंट्री पॉइंट, लेकिन उस वक्त टिकट काउंटर भी ओपन नहीं था, इसलिए हमने बिना टिकट के ही एंजॉय कर लिया बाईसरन वैली। सो ये है बाईसरन वैली। यहाँ पे ना एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि ये जिप लाइन है जो कि सुबह के टाइम क्लोज्ड था। यहाँ पे आप लोकल ड्रेसेस को रेंट करके फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इतना ज्यादा रिस्क उठाकर बाईसरन वैली आ ही रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप टाइम लेकर इसे विजिट करें और यहाँ से आप थोड़ा बहुत आसपास ट्रेकिंग भी कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रेक, जहाँ से आपको खूबसूरत सा नज़ारा मिलेगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। फाइनली आफ्टर काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करने के बाद पोनी राइड से हम लोग पहुँच चुके हैं बाईसरन वैली, जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है। सच में ये इंडिया का जन्नत है क्योंकि इतना खूबसूरत है ये जगह और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इसलिए मैंने ये स्वेटशर्ट भी पहना है। एंड ये जो चढ़ाई है ना, इसमें थोड़ा और अगर हम लोग ट्रैकिंग करके जाएँ तो बजरंगी भाईजान का कुछ शूटिंग हुआ था, ये पूरा एरिया यहाँ पर भी बजरंगी भाईजान और काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग हुए थे। और ये जो पूरा एरिया है ना ये काफ़ी खूबसूरत है और हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम एकदम सुबह सुबह आ गए हैं, जल्दी अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम लोग निकले थे। कोटा बजे खुन 9:22, अभी 9:22 हो रहा है और कोई भी टूरिस्ट अभी तक नहीं आया। सब लोग ना ज़्यादातर लंच टाइम के बाद बाईसरन वैली आते हैं, तो इसीलिए हम लोग खाली खाली में आ गए और पूरा वैली जो है बाईसरन जो है वो पूरा खाली है। एंड सच में ये मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं, मैं कहूँगी कि ये इंडिया का ही जन्नत है क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। और वो जो ऊपर पहाड़ है ना, बर्फ़ वाला पहाड़, वो है एक्चुअली अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं ना, ये अमरनाथ का वो पहाड़ है जहाँ पर ट्रैकिंग करके सब लोग यात्रा पे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। क्लोजअप में आप लोग देखिए, दिस वैली इज कवर्ड विद ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर्स। कितना खूबसूरत है ये फूल। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Ready? Ready?
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. हमारा जो घोड़ा वाला है वो बहुत वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी करने के लिए, लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा है इस जगह को छोड़कर जाने का. और whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Bye 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 Suran. मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस beautiful जगह को छोड़कर जाने. बहुत ही अच्छा. ये बहुत ही अच्छा था ना? तो बाकी अगर कभी कश्मीर आओ तो मस्ट कम पहलगाम, क्योंकि ये कश्मीर का बेस्ट प्लेस है. बेस्ट क्या है? ठीक है ये भैया ना बहुत अच्छे थे, इसीलिए हमने इन्हें 200 रुपये टिप दे दिया. और यहाँ पे ना सारे हॉर्सेस रहते हैं, ये हॉर्स स्टेशन आप कह सकते हैं, यहाँ से ही सारे राइड स्टार्ट होते हैं. 11:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे हमारा होटल, और जल्दी से रेडी होकर हमने नहा लिया क्योंकि कल गुलमर्ग जाएंगे, पता नहीं कल नहाना होगा या नहीं, इसीलिए आज नहा लिया अच्छे से एकदम गर्म पानी से. ड्रेस भी चेंज कर लिए. अभी हम लोग निकलेंगे एबीसी वैली के लिए, मतलब आरू वैली, बेताब वैली और चंदन वैली. एंड वी आर वेरी लकी क्योंकि आज का मौसम जो है वो कि काफी सुहाना है. आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा सा धूप निकला है, इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस भी पहनी है, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं जैकेट पहनने वाली हूँ. ये भी नहा धोके एकदम तैयार है चंपू बन के, क्योंकि उसने हेड वॉश की है. बट बैसलन जाकर घूमकर मजा आया. इट वॉज वेरी रिस्की. आई थिंक ओल्ड एज पीपल के लिए ट्रेकिंग ही बेटर होगी, क्योंकि जो पोनी वाला रास्ता है वो काफी रिस्की है. मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि ओल्ड एज पीपल के लिए पोनी वाला रास्ता. और यहाँ पे पोनी राइड के लिए भी काफी पंगा है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं. हम लोग ने 200 रुपए टिप दिया था, हमारा जो पोनी वाला था उसको 200 रुपए टिप दिए, उसके बाद भी एक्स्ट्रा 1500 हमारा पोनी बुक किया था, लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा 100 रुपए दिया, मतलब टोटल हमें 1900 रुपए देने पड़े. फिर हम आए प्रीपेड टैक्सी स्टैंड पे, और ये जो इको गाड़ी है ना, इट कॉस्टेड अस अराउंड 2300 रुपीज आरू बेताब और चंदनवारी के लिए. तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे. और ये जो इको गाड़ी है इसे हमने बुक कर दिया, लेकिन हर जगह पे हमें घूमने के लिए टाइम लिमिट है सिर्फ 1 घंटा. वहाँ पे एक स्पॉट का 1 घंटा है, अगर आप 1 घंटे से ज्यादा जाओगे ना आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा. कौन सी गाड़ी लोगे? नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आरू बेताब और चंदनवारी काफी ब्यूटीफुल है, और काफी इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.